अपनी कमी है, ये हम लोग को क्या समझती है कि ये लोग नारी है, तो क्या नारी है तो हम लोग के पास कुछ भी ताकत नहीं है? हम लोग के पास बहुत से ताकत है, हम लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम ही वो नारी है जो प्रधानमंत्री जैसे आदमी को जन्म दिए हैं, हम ही वो नारी है जो मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को जन्म दिए हैं, लेकिन ये हमारी ताकत को नहीं समझ रहा है। हम जब चाहे इसको उखाड़ कर फेंक सकते हैं, क्योंकि इसकी गलती हमसे है ना कि इससे हम बने हुए हैं। हम जो है सो एक नारी होकर भी बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो एक मुख्यमंत्री और एक नीतीश जैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसे आदमी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो हर तरफ जाता है और बोलता है कि यहाँ विकास कर रहे हैं, वहाँ विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर सबको ठग रहा है। और हम लोग को भी लालच दे देकर बार बार, इस बार हम लोग को सत्ता में ला दो तो हम लोग आप लोग के साथ ऐसा करेंगे, ऐसा देंगे, मानदेय देंगे तो सरकारी करेंगे, लेकिन हम लोग सब ऐसा बातों को सुन सुन कर पक गए हैं। और हम लोग का आज ऐसा स्थिति बन गया है कि आज हम लोग यहाँ पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। ये हमारी मजबूरी को इतना गिरा दिया है कि हम लोग चाह कर भी हम लोग इस पर काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग 30,000 भी लेकर खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज की महंगाई में वो 30,000 भी बहुत कम पड़ेगी हम लोग के लिए। जितना काम करते हैं उसके लिए हमको मात्र 3,000 हमको वेतन दिया जाता है। क्या आज का 3,000 में हम लोग क्या कर सकते हैं? ना तो हम लोग बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ना तो खाना खिला सकते हैं, ना खुद भी ढंग से रह सकते हैं। क्या हमारा बच्चा अफसर बनने के योग्य नहीं है? है, लेकिन हम लोग के बच्चे का भविष्य हम लोग का कहाँ जा रहा है? बिल्कुल अंधेरा में है। हम लोग एक गर्भवती महिला को गर्भ से लेकर हम लोग उसका 6 बरस तक पालन पोषण करते हैं, हर एक चीज़ की व्यवस्था हम लोग करते हैं, लेकिन हमारा बच्चा का भविष्य अंधेरा में पड़ा हुआ है। वो बच्चा भी कहीं ना कहीं जाकर प्रधानमंत्री बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, लेकिन हमारा बच्चा हमेशा जो है सो मम्मी हमको ये चीज़ खरीदना है, लेकिन हम लोग मजबूर हो जाते हैं। बेटा हमारा मानदेय क्या है? 3,000। हम 3,000 में तुमको क्या दे सकते हैं? ये सोच कर हमारा बेटा भी चुप हो जाता है। लेकिन आज हम लोग इसको जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं करेगी सरकार, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी मांगे जायज है। हम इससे कहीं भी पीछे नहीं हट सकते हैं। हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं।